17 नवंबर 2017 स्थान कश्मीर के मनसबल में स्थित गरुड़ स्पेशल फोर्सेस का एक सीक्रेट बेस। इस बेस के अंधेरे से भरे ऑपरेशंस रूम में एक अत्यंत गंभीर मिशन की ब्रीफिंग चल रही है। इंडियन एयर फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस यूनिट 617 गरुड़ फ्लाइट के 36 वर्षीय सीओ स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान अपने 18 गरुड़ कमांडोज के साथ एक ताज़ा आई इंटेलिजेंस बांट रहे हैं। सभी कमांडोज बड़े ध्यान से अपने सीओ की बात सुन रहे हैं कि तभी अचानक एक व्हाट्सएप कॉल इस कमरे की शांति भंग कर देती है। कोने में बैठा एक कमांडो हड़बड़ाता हुआ अपनी जेब से फोन निकालता है और इस कॉल को काट देता है। 2 मिनट बाद दोबारा कॉल आती है और ये कमांडो दोबारा कॉल काट कर इस बार तो फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। उधर 500 किलोमीटर दूर इस बात से 3 साल की एक बच्ची उदास हो जाती है। ये बच्ची रोज ही की तरह अपने पापा के साथ वीडियो कॉल पर बात करना चाहती थी। इस बच्ची का नाम है जिज्ञासा और उसके पापा हैं कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला, जो रोज अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, लेकिन आज चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज वो अपने जीवन के सबसे बड़े और संवेदनशील मिशन की ब्रीफिंग में बैठे हुए हैं। इस ब्रीफिंग में स्क्वाड्रन लीडर राजीव अपनी टीम को बताते हैं कि ताज़ा इंटेलिजेंस के अनुसार ओसामा जंगी और महमूद भाई को चंदरगीर गांव के घर में देखा गया है। ये नाम सुनते ही इस कमरे में बैठे गरुड़ों का खून खौल उठता है। पिछले एक महीने से सारे कमांडोज जंगी के साथ एक हिसाब चुकता करने को बेताब हैं। कॉर्पोरल ज्योति समेत इस कमरे में मौजूद सभी 18 गरुड़ों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, पिछले एक महीने से ये यूनिट चाहकर भी और कुछ सोच ही नहीं पा रही है। इस दिन से ठीक 37 दिन पहले बंदीपुरा के राख हजीम गांव में 617 गरुड़ फ्लाइट की आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ हुई थी। 11 अक्टूबर 2017 को सुबह 4:40 पर हुई इस मुठभेड़ में गरुड़ कमांडोज ने LET के 2 आतंकियों अबू बाकर और नसरुल्ला मीर को मार गिराया था, लेकिन इस सफलता की गरुड़ को खुद भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इन दोनों आतंकियों को मारने वाले सार्जेंट मिलिंद किशोर और कॉर्पोरल नीलेश कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तब से लेकर अब तक हर पल हर क्षण गरुड़ बदले की आग में झुलस रहे थे। अपने साथियों को अपने इन दोस्तों को खो देने का दुख और गुस्सा हर गरुड़ के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा आहत हुए थे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला। मिलिंद नीलेश और ज्योति जिगरी दोस्त थे, यारों के यार थे, दोस्त से कहीं ज्यादा ये तीनों भाई थे। असल में कॉर्पोरल ज्योति दुखी थे, गुस्से में थे। वो गुस्से में थे क्योंकि उस दिन उन्हें अपने भाइयों के साथ ऑपरेशन पर नहीं भेजा गया था और पिछले एक महीने से अपने इस गुस्से को पाल रहे थे। पलते पलते ये गुस्सा एक ज्वालामुखी का रूप ले चुका था और 18 नवंबर 2017 की शाम को कश्मीर के चंदरगीर में ये ज्वालामुखी फटने वाला था। इसका लावा दुश्मन को तहस नहस करने वाला था। चंदरगीर का गाँव कुरुक्षेत्र की रणभूमि और कॉर्पोरल ज्योति श्री कृष्ण का विराट रूप धारण करने वाले थे। जय मां भारती। ओसामा जंगी काफी समय से इंडियन आर्मी के रडार पर था और लगभग 12 बार ऐसा हो चुका था कि वो राष्ट्रीय राइफल्स और गरुड़ के हाथों में आते आते रह गया था, हर बार बच के निकल गया था। और ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि LET का इंटेलिजेंस नेटवर्क कश्मीर में बहुत ही बड़ा और अत्यंत प्रभावशाली था। जंगी ने आतंक विरासत में पाया था। वो इंडिया के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के साड़ू का बेटा और 2611 के प्रमुख मास्टरमाइंड लखवी का भतीजा था। दूसरा आतंकी महमूद भाई को इतना बड़ा नाम तो नहीं था, लेकिन कुख्याति कुछ उसकी भी कम नहीं थी। वो नॉर्थ कश्मीर में LET का कमांडर था। 11 अक्टूबर 2017 को राखाजीन में गरुड़ द्वारा किए गए ऑपरेशन का ओरिजिनल टारगेट भी जंगी था। कम से कम गरुड़ को इंटेलिजेंस इनपुट तो यही मिला था, जो अंततः गलत साबित हुआ। जंगी की जगह LET के दूसरे 2 आतंकी मारे गए थे और गरुड़ के 2 कमांडोज सार्जेंट मिलिंद किशोर और कॉर्पोरल नीलेश कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने 2 साथियों को खो देने का दुख तो गरुड़ के सभी कमांडोज को था। पिछले 37 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उनके दिमाग में मिलिंद और नीलेश का बदला लेने की बात ना आई हो, लेकिन अपने साथियों को खो देने से कॉर्पोरल ज्योति कुछ ज्यादा ही आहत हो गए थे।
अपने दोस्तों की वीर गति के एक हफ्ते बाद कॉर्पोरल ज्योति दिवाली मनाने के लिए अपने घर वापस जाते हैं तो उनकी पत्नी सुषमा को वो बदले बदले से लगते हैं। वो देखती हैं कि उनके पति वैसे नहीं हैं जैसे कि वो कश्मीर जाने से पहले थे। सुषमा को दिखाई देता है कि उनके पति पहले की तरह हंसना छोड़ चुके हैं, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं और रातों को मुँह दूसरी तरफ करके घंटों घंटों रोते रहते हैं। सुषमा अपने पति को समझाने का बहुत प्रयास करती हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कॉर्पोरल ज्योति बार बार एक ही बात बोलते हैं कि मुझे तो उस दिन ही शांति मिलेगी जिस दिन मैं मिलिंद और निलेश का हिसाब बराबर कर लूंगा। लेकिन सुषमा को क्या पता था कि जिस दिन की बात उनके पति कर रहे हैं वो एक महीने बाद ही आ धमकेगा। 17 नवंबर 2017 के दिन कॉर्पोरल ज्योति की नन्ही सी बेटी जिज्ञासा अचंभे में थी कि उसके पापा उसका फ़ोन काटे क्यों जा रहे हैं, वो तो कभी ऐसा नहीं करते। उधर उसके पापा भी ब्रीफिंग रूम से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपनी पत्नी के फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल करते हैं। उधर से जिज्ञासा फ़ोन उठाती है और कहती है, पापा पापा आप घर कब आओगे, मुझे नई कहानी कब सुनाओगे। मैं जल्दी आऊँगा बेटा, मुझे 4 बजे उठना है और अब आपको भी जाना चाहिए। ये कहने के बाद कॉर्पोरल ज्योति अपनी बेटी को मनाने लगते हैं कि वो फोन अपनी माँ को दे दे। कई मिनट और ढेर सारे खिलौने दिलवाने का प्रॉमिस लेने के बाद जिज्ञासा फ़ोन अपनी माँ को दे ही देती है, लेकिन सुषमा की अपने पति से मुश्किल से 2 मिनट ही बात हो पाती है क्योंकि आज की रात कॉर्पोरल ज्योति के पास सोने के लिए 3 घंटे से भी कम का समय बचा था। अगले दिन की पहली किरण फूटने से पहले कॉर्पोरल ज्योति और उनके 18 कमांडो साथी 13 राष्ट्रीय राइफल्स के हाई सिक्योरिटी बेस पर पहुंच चुके थे, जहां से उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स की एक टीम के साथ टारगेट एरिया के लिए निकलना था। मनसबल में ही स्थित 13RR के बेस पर पहुंचने के बाद और भी कई डिटेल्स ब्रीफिंग होती हैं और निर्णय लिया जाता है कि जंगी और महमूद को पकड़ने के लिए 2 कॉम्बैट टीम्स एक डे टाइम ऑपरेशन को अंजाम देंगी। इस ऑपरेशन के लिए 2 स्क्वाड्स बनाए जाते हैं। पहले स्क्वाड में 11 गरुड़ कमांडोज थे और इसका नेतृत्व स्क्वाडन लीडर राजीव चौहान को करना था। दूसरे स्क्वाड में 13RR के 11 ऑफिसर्स थे और इसका नेतृत्व RR के ही एक आर्मी मेजर को सौंपा गया था। 617 गरुड़ फ्लाइट पिछले 1 महीने से इसी दिन की तैयारी में लगी हुई थी। राखाजीन ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों से मिले मोबाइल फोन्स की जांच ने गरुड़ को चंद्रगीर का रास्ता पहले ही दिखा दिया था। गांव के कुछ घरों को गरुड़ ने पहले से ही सर्वेलेंस पर डाला हुआ था और आतंकी गतिविधियों पर इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के लिए सिविलियंस के भेज में रोजाना रिकॉन टीम्स को गाँव के अंदर भेजा जा रहा था। अपने टारगेट एरिया का अध्ययन करने के लिए गरुड़ की पेट्रोलिंग टीम्स कई दिनों से 1500 लोगों की आबादी वाले इस चंद्रगीर गांव की फोटोज और वीडियोस भी ले रहे थे। 18 नवंबर 2017 दोपहर का समय, 2 खटारा से सिविलियन ट्रक्स 13RR के बेस से चंद्रगीर के लिए धीमी गति से निकल पड़ते हैं। आगे वाला ट्रक पीले रंग के त्रिपाल से ढका हुआ था और इसमें 11 गरुड़ कमांडो सवार थे। CO स्क्वाडन लीडर राजीव आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ हुए थे। सभी गरुड़ों ने लोकल कश्मीरी पोशाक फेरान पहनी हुई थी। पीछे बैठे कॉर्पोरल ज्योति इस स्क्वाड का सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार इजरायली मेड नजेव LMG लिए बैठे थे और बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे, आज मिलिंद और निलेश का बदला लेना है। बहुत इंतजार किया है, जितने ज्यादा आतंकी मिले उतना ही अच्छा है। उनके बगल में बैठे सार्जेंट संदीप कुमार अपने हाथों में टेवरटार 21 राइफल लिए बार बार हां में सर हिलाए जा रहे थे। 617 गरुड़ फ्लाइट के कॉन्टैक्ट्स अभी भी चंद्रगीर में ग्राउंड पर एक्टिव थे और 13RR के बेस से निकलने से ठीक पहले स्क्वाडन लीडर राजीव के पास एक और इंटेलिजेंस इनपुट आता है। उनको बताया जाता है कि जंगी और महमूद के साथ 4 आतंकी और छुपे हुए हैं। कहने का मतलब ये कि ठीक आखिरी समय पर यह ऑपरेशन 3 गुना और ज्यादा मुश्किल, 3 गुना और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अपने बीच 100 मीटर का फासला बनाए ये दोनों ट्रक्स 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति
से चंद्रगिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी गरुड़ कमांडोज बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। अगर कोई कुछ बोल भी रहा था तो बस ऑपरेशन के बारे में ही बात करने के लिए। ठीक 3:27 पर दोनों ट्रक्स चंद्रगिर के बाहर पहुंच जाते हैं और गांव के शुरुआती घरों के बाहर से होते हुए उन घरों से थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं जहां जंगी और उसके साथियों को देखा गया था। ग्राउंड इंटेलिजेंस ने 6 घरों को टारगेट एरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया था। ये 6 घर एक दूसरे के पास पास थे और आतंकी इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा घरों में हो सकते थे। गरुड़ और 13RR की दोनों टीम्स अपने अपने ट्रक से उतर के इन 6 घरों के समूह को कॉर्डन ऑफ करने के लिए यानी के घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। टारगेट एरिया को सही से कॉर्डन ऑफ करना इस ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होने वाला था। स्क्वाड्रन लीडर राजीव और 13RR का मेजर अपने 22 लोगों को लेकर फटाफट उस 6 घरों के समूह के चारों तरफ एक चौड़ा सा घेरा बिछा देते हैं। कॉर्पोरल ज्योति और उनके बड़ी कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता को ऐसा स्पॉट दिया जाता है जहां से आतंकियों के बचकर भागने की सबसे ज्यादा संभावना थी। इन घरों में कुल कितने आतंकी छुपे हुए हैं ये तो कुछ मिनटों में पता चलने ही वाला था, लेकिन अभी के लिए चंद्रगिर गांव के सभी एस्केप रूट्स को पूरी तरह सील कर दिया गया था। घेरा बिछने के बाद 13RR और गरुड़ के फौजी अपनी सांसें रोककर इंतजार करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद गरुड़ के 2 स्क्वाड्स यानी के 4 कमांडोज उन घरों की तरफ दबे पांव बढ़ना शुरू कर देते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राजीव किसी भी तरह के एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें पता था कि आतंकी इन्हीं 6 घरों में छुपे हुए हैं और अब तक उन्हें टिप ऑफ भी मिल गया होगा कि आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। स्क्वाड्रन लीडर राजीव का यह अंदाजा एकदम सही निकलता है। एक्शन के लिए गरुड़ो 13RR को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। घेराबंदी के ठीक 60 सेकंड बाद उन घरों की तरफ से पहली गोली हवा में प्रकट होती है और एक गरुड़ कमांडो के कान के पास से गुजर जाती है और क्षण भर में चंद्रगिर की शांतिपूर्ण वादी AK-47 के शोर से गूंज उठती है। 13RR की टीम भी उन घरों की तरफ फायरिंग करते हुए घेरा कसना शुरू कर देती है कि तभी 3:40 पर एक घर के पिछले दरवाजे से फेरान पहने एक आकृति प्रकट होती है और अपनी ऑटोमेटिक राइफल से अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए फौजियों की तरफ झपटने लगती है। 1 सेकंड के अंदर अंदर एक गरुड़ कमांडो रिटर्न फायर करके इस आतंकी को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एक आतंकी तो खत्म हो चुका था, लेकिन अभी कितने और आतंकी उन घरों में छुपे हुए हैं ये कहना मुश्किल था। लेकिन यदि 100% ठीक थी तो कम से कम 5 आतंकी अभी और बाकी थे। पहले आतंकी के गिरने के 90 सेकंड बाद 5 और आदमी उसी घर से बाहर की तरफ छलांग लगाते हैं और अपने से 20 मीटर दूर घेराबंदी किए हुए फौजियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। इनमें से 2 आतंकियों की AK-47 की बैरल पर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स भी लगे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि गोलियों के साथ साथ ये फौजियों के ऊपर ग्रेनेड्स भी बरसा रहे थे। एक ग्रेनेड कॉर्पोरल ज्योति और कॉर्पोरल देवेंद्र के पास जाकर फटता है और खुद को बचाने के लिए दोनों गरुड़ों को आधे सेकंड से भी कम समय में छलांग लगाते हुए कवर लेना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए 5 आतंकी एक साथ एक कॉलम बना के उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं जिस दिशा में कॉर्पोरल ज्योति और देवेंद्र ने पोजीशन ली हुई थी। मतलब ये कि सबसे पहले इन दोनों कमांडोज का ही आतंकियों के साथ क्लोज रेंज फायर फाइट में आमना सामना होने वाला था। अपनी पोजीशन से कॉर्पोरल ज्योति देखते हैं कि आतंकी उनसे केवल 10 मीटर की दूरी पर ही रह गए हैं और कुछ क्षणों में वो ठीक उनके आमने सामने होंगे। कॉर्पोरल ज्योति ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान हजारों बार सुना था कि ऐसी सिचुएशंस में आतंकी बचकर निकलने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन कॉर्पोरल ज्योति तो इस समय कुछ और ही सोच रहे थे। उनकी आंखों के सामने मिलिंद और निलेश के चेहरे चमकने लगते हैं और दिमाग में बस एक ही बात बार बार आती है कि क्या बदला लेने का ये मौका उनके हाथ से फिसलने वाला है। कॉर्पोरल ज्योति अचानक अपना कवर छोड़ अपनी LMG के साथ सीधा आतंकियों की दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं। ज्योति, ये तू क्या कर रहा है भाई, वापस आ जा, अपना कवर ले ले। सख्ते में आ चुके कॉर्पोरल देवेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कॉर्पोरल ज्योति तो अपना मन बना चुके थे। उन्हें ना कुछ और सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई, उन्हें तो अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी। कॉर्पोरल ज्योति अपनी LMG का ट्रिगर दबा के आतंकियों के ऊपर 5.56 mm के दैत्यकाय राउंड्स की बरसात कर देते हैं।
स्क्वाड्रन लीडर राजीव उस दृश्य को याद करते हुए कहते हैं, वो तो बस फायर करता जा रहा था, फायर करता जा रहा था, वो दृश्य तो कुछ और ही था। कॉर्पोरल ज्योति की एलएमजी से निकली कई गोलियां सबसे आगे वाले आतंकी की छाती में जाकर लगती हैं और वो आटे की बोरी की तरह जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर बाकी के आतंकी अपनी जगह पर खड़े खड़े जम से जाते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं, मानो जैसे उन्हें सांप सा सूंघ गया हो। सांप तो उन्हें जरूर सूंघ गया था। ये फायर फाइट शुरू होने के 6 मिनट के अंदर अंदर जंगी मारा जा चुका था। कॉर्पोरल ज्योति ने सईद के भांजे और लखवी के भतीजे को मार गिराया था। उधर सदमे में आ चुके बाकी के 4 आतंकियों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो हड़बड़ाहट का शिकार हो जाते हैं। इस पॉइंट पर कॉर्पोरल ज्योति यदि चाहते तो बड़े ही आराम से अपने कवर की सुरक्षा में वापस आ सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर इनमें से एक भी आतंकी बचकर निकल जाए। मुझे कवर करो, अपने साथी देवेंद्र के लिए चिल्लाते हुए कॉर्पोरल ज्योति बाकी के आतंकियों की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी उनकी नजर भारतीय फौज की वर्दी पहने एक आतंकी पर पड़ती है। ये नॉर्थ कश्मीर में एलईटी का कमांडर महमूद भाई था। कॉर्पोरल ज्योति से बचने के चक्कर में महमूद का पैर नीचे पड़ी जंगी की बॉडी से उलझ जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है, कॉर्पोरल ज्योति एक बार और अपनी एलएमजी का ट्रिगर दबा देते हैं। जंगी के 3 मिनट बाद महमूद भी खत्म हो चुका था। पहली गोली चलने के 9 मिनट के अंदर अंदर कश्मीर की मोस्ट वांटेड फाइल से 2 बड़े नाम साफ हो चुके थे, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। बचे हुए 3 आतंकी जो महमूद के पीछे थे, कॉर्पोरल ज्योति की गोलियों से घायल हो चुके थे। कॉर्पोरल ज्योति का इतना भीषण विकराल रूप देखकर बुरी तरह घबराए हुए ये 3 आतंकी अपनी जान बचाने के लिए दाहिनी तरफ एक गड्ढे में कूद जाते हैं और कॉर्पोरल ज्योति की लाइन ऑफ साइट से भी बाहर हो जाते हैं। इस पॉइंट पर कॉर्पोरल देवेंद्र चिल्लाते हैं, वहीं रुक जा मेरे भाई, मेरे आने तक और आगे मत बढ़ना। लेकिन कॉर्पोरल ज्योति के अंदर तो स्वयं शिवजी अवतार ले चुके थे, अब वो तांडव कर रहे थे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। कॉर्पोरल ज्योति पीछे मुड़कर अपने साथी को देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं और उस गड्ढे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने में कॉर्पोरल ज्योति की दाहिनी तरफ से स्क्वाड्रन लीडर राजीव चिल्लाते हैं, ज्योति रुक जाओ, देवेंद्र को वहां आने दो। लेकिन कॉर्पोरल ज्योति पर अपने सीओ की गुहार का भी कोई असर नहीं होता और वो अपनी एलएमजी फायर करते हुए गड्ढे की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी गड्ढे में छिपा हुआ एक आतंकी अपनी AK-47 ऊपर करके अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और उसकी 3 गोलियां कॉर्पोरल ज्योति को आकर लग जाती है। कॉर्पोरल ज्योति के नीचे गिरते गिरते कॉर्पोरल देवेंद्र भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने साथी की एलएमजी उठाकर मैगजीन में बची हुई सारी की सारी गोलियां गड्ढे में खाली कर डालते हैं। गड्ढे के अंदर चीख पुकार सी मच जाती है कि तभी स्क्वाड्रन लीडर राजीव भी एक हाथ से फायरिंग करते हुए वहां आते हैं और दूसरे हाथ से एक ग्रेनेड उस गड्ढे में फेंक देते हैं। ग्रेनेड के इस धमाके से किसी भी आतंकी के बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। 12 मिनटों के अंदर अंदर 617 गरुड़ फ्लाइट ने एलईटी के 6 वरिष्ठ आतंकियों को मार गिराया था। ये ऑपरेशन हर मायने से एक अत्यंत सफल ऑपरेशन था, लेकिन फिर भी आज गरुड़ के पास खुशी मनाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उन्होंने आज अपना एक और होनहार साथी जो खो दिया था। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बिहार में जन्मे 31 वर्षीय इस वीर ने इस देश की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उधर कॉर्पोरल ज्योति के सीओ स्क्वाड्रन लीडर राजीव को अब वो करना था जिसकी वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें कभी ना करना पड़े। उन्हें कॉर्पोरल ज्योति के घर फोन करके उनकी पत्नी को ये दुखद समाचार देना था। जब स्क्वाड्रन लीडर राजीव सुषमा को ये समाचार देते हैं तो एकदम से फोन लाइन के ऊपर सन्नाटा छा जाता है और कुछ सेकेंड बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, उन्होंने मिलिंद और नीलेश का बदला तो ले लिया ना, बस तो फिर वो हंसते हंसते ही ऊपर गए होंगे। ये कहते ही सुषमा फूट फूट कर रोने लगती है। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ उन्हीं के कंधों पर थीं। ऐसी एक जिम्मेदारी थी छोटी बहन शशिकला की शादी करना और कॉर्पोरल ज्योति खुद भी अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते थे। कॉर्पोरल ज्योति के जाने के बाद उनके पिता तेज नारायण सिंह बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे और वो अपनी बेटी के
भविष्य के लिए इसी कारण बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे। लेकिन कॉर्पोरल ज्योति की आत्मा तो ऊपर एकदम निश्चिंत बैठी हुई थी। उन्हें पता था कि उनसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले उनकी इस बहन के और भी कई भाई हैं, जो उसकी बिल्कुल वैसी ही शादी करेंगे जैसी कि वो खुद चाहते थे। गरुड़ कमांडो फोर्स का हर एक कमांडो कॉर्पोरल ज्योति की बहन की शादी के लिए 500 रुपए का योगदान देता है और शादी के लिए 500,000 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। जुलाई 2019 में इन पैसों से शशिकला की शादी बड़े ही धूमधाम से की जाती है और जब विदाई का समय आता है तो ये कमांडो भाई अपनी लाडली बहन को जमीन पर पैर तक नहीं रखने देते, बल्कि उसके लिए अपनी हथेलियां जमीन पर बिछा देते हैं। सर भी मेरा जो हो जीत तेरी, तू न चलेगा अकेला कभी की संग चलेगी मेरी दुआ, तू न थकेगा कभी की ताकत तुझ में ला।